बाल मजदूरी के लिए लाए गए 5 बच्चे वाड़ी पुलिस ने छुड़ाए। बाल कामगार कानून के बाद भी बालकों से काम लिया जा रहा है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून को सख्त कर बाल कामगारों को रोकने की जरूरत है। बाल मजदूरी के लिए उत्तर प्रदेश से अमरावती नागपुर लाए गए 5 नाबालिगों को शुक्रवार को वाड़ी पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से छुड़ाया। 14 साल की कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। बाल मजदूरी के लिए नागपुर और अमरावती के लिए उत्तर प्रदेश से लाया गया। बच्चों से प्लास्टिक का सामान बेचने का काम करवा रहे थे। वाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र नवनीत नगर वाड़ी से शुक्रवार को 5 बाल कामगारों को पुलिस ने छुड़ाया। ठेकेदार पर मामला दर्ज किया गया है। वाड़ी थाने में यह पहला मामला दर्ज हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मजगांव तहसील महबूबाबाद जिला सीतापुर यूपी निवासी उस्मान खान, इकबाल खान उम्र 23, आरिफ खान, शरीफ खान उम्र 26 को वाड़ी पुलिस ने धर दबोचा। वही आरोपी रफीक खान उम्र 28 फरार है। आरोपियों ने 5 बालकों को उत्तर प्रदेश से राज्य में प्लास्टिक के वस्तुएं बेचने के लिए लाया था। प्लास्टिक के बदले वह पुराने कपड़े लेकर ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रहे थे। अपने फायदे के लिए बालकों से काम ले रहे थे। 6 माह पूर्व आरोपी यूपी से 7 बच्चों को काम करने बढ़नेरा अमरावती लाया गया। वहां से 6-7 दिनों से उन बच्चों को नागपुर लाया गया। नवनीत नगरवाड़ी के खुले मैदान में डेरा डालकर रहने लगे। वहीं से बच्चों के हाथ से प्लास्टिक बेचने का धंधा करने लगे। बच्चों से दिन भर कमाई कर पैसे कमाने वाले आरोपी अब पुलिस के कब्जे में है। गरीबी के कारण वह पढ़ाई नहीं करने से माँ बाप ने ही बच्चों को काम पर भेजा। कुछ बच्चे पिता के परेशानी से काम पर आने की बात बच्चों ने बताई। वहीं कुछ बच्चों ने घर जाने के लिए आरोपी ठेकेदार मना करता है। घर जाने की बात कही तो पगार नहीं देते। आरोपी उस्मान खान ने बताया कि बच्चों के माँ बाप को पूछकर ही लाया गया। हर माह उनके पैसे भेजते थे। हमें कानून का पता होता तो हम बच्चों को नहीं लाते। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेना कानून अपराध माना जाता है। बावजूद उनसे काम लेकर अपराध कर रहे बच्चों से काम लेने की सूचना ट्विंकल फाउंडेशन सामाजिक संस्था को मिलते ही संस्था के शशांक समृद्ध पाटिल ने बाल कामगारों का पता लगाया। पुलिस में शिकायत की। सभी 5 बच्चों को पुलिस ने बाल सुधार गृह में भेजने की जानकारी PSI अमोल लाखड़े ने दी है। बच्चों के माता पिता को सूचना दी गई है। जब तक माता पिता नहीं आते तब तक बच्चे बाल सुधार गृह में रहेंगे। पुलिस में शिकायत की है। वाड़ी पुलिस ने बाल न्याय संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत कलम 75-79 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई PI राजेंद्र पाठक के मार्गदर्शन में PSI अमोल लाखड़े कर रहे हैं। 2020 रोजी रात्रपाळी म्हणून आम्ही कर्तव्यावर हजर असताना ट्विंकल फाउंडेशनचे कार्यकर्ते हे पोस्टेला आले। त्यांच्या ताब्यामध्ये एक लहान मुलगा हा कळमना हद्दीमध्ये प्लास्टिक चिट्टा पाणी बकेट विकत असताना मिळून आल्याने त्याचे इतर साथीदार हे पोस्टेवाडी हद्दीमध्ये राहत असल्याचे सांगितल्यावरून आम्ही स्टाफच्या मदतीने व ट्विंकल फाउंडेशनचे कार्यकर्ते शशांक पाटील तसेच त्यांचे इतर कार्यकर्ते आम्ही पहाटेच्या दरम्यान शोध घेतला असता भरतनगर आपला भरत अपार्टमेंट नवनीत नगर येथील खुल्या ग्राउंडमध्ये काही मुलं हे सामानासहित व त्यांचे ठेकेदार इतर लोकांसहित ते तिथं झोपलेल्या स्थितीमध्ये मिळून आले। त्या दरम्यान आम्ही त्यांना विचारपूस केली असता त्याच्यामध्ये इतर साथीदार व काही अल्पवयीन मुलं हे तिथं दिसून आले। त्या चौकशी दरम्यान आम्ही त्यांना ताब्यात घेतलं। लहान मुलांना अनिशा करून पोस्टेला आणलं। विचारपूस केली असता त्यांना समजून आले की त्यांच्याकडून हे लहान मुलांकडून काम करून घेतात आणि त्यांनी उपजीविकेचे काम करून घेऊन आपलं काम करीत असतात। त्यानंतर आम्ही त्या लहान मुलांना विचारपूस करून बाल सुधारगृह इथे दाखल करण्यात आले व काल दिनांक 5/3/2020 लहान मुलांना चाईल्ड वेलफेअर कमिटी यांच्यासमोर हजर केले असता त्यांच्याकडून शहानिशा केली आणि शहानिशा करून आज दिनांक रात्री 5/3/2020 रात्रीला ज्युव्हेनाईल जस्टिस ॲक्ट 75/79 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। तसेच IPC 374 बाल कामगार अधिनियम 14 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आले असून त्यामधील मोहम्मद आरिफ खान आणि उस्मान खान यांना पोस्टेच्या हद्दीमध्ये आपला अटक करण्यात आलेली असून त्याच्यामधील तिसरा आरोपी रफीक खान हे फरार आहेत। तरी त्यांना अटक करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे। अल्पवयीन मुलांना यातील जे ठेकेदार लोक असतात जे त्यांच्याकडून काम करून घेतात हा निश्चितच कायद्यान्वये गुन्हा आहे आणि त्याप्रमाणे या प्रकारे गुन्हा दाखल होणारच आहे। आणि भविष्यामध्ये ठेकेदार किंवा मोठे इसम हे लहान मुलांना काम करून घेतात त्याप्रमाणे त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल याची
दक्षता है। इन बीसीएन के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक फांसी की रिपोर्ट।